गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा वे ट्विंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गर्मी जो है वो बिल्कुल अपने पिक लेवल पर है, तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जितना हो सके पानी जो है वो पीने की कोशिश कीजिए, फ्रूट्स खाइए, और जो सीजनल फ्रूट होते हैं जैसे कि अभी मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, और भी मतलब पपाया है, तो इस तरीके के फ्रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। और बच्चे अगर पानी जो है वो नहीं पीते हैं, क्योंकि हम तो पी लेते हैं, हमको पता है कि पानी अगर हम टाइम से नहीं पियेंगे तो बॉडी के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्पेशली गर्मियों के अंदर ना, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप उनको नींबू पानी बना के दे सकते हैं। तो और इसके अलावा आजकल तो कच्चे आम का सीज़न है, तो कच्चे आम का जो होता है ना जूस वगैरह, जिससे लू वगैरह नहीं लगती है, तो वो भी आप दे सकते हैं। बोल विनी, क्या बोल रही थी? पर तो दिख रही नहीं पूरी, अच्छे से बोलना। आज हम कहाँ जाएंगे मार्केट? तो समय जो होता है वो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। शिल्पा और गिरजा दोनों साथ में आई थी आज से 13-14 दिन पहले, तो गिरजा तो चली गई थी, मतलब हार्डली वो कितना, शायद 6 या 7 दिन कुछ रही थी। और अब शिल्पा जो है उसके भी जाने का टाइम जो है वो आ गया है, तो टिकट जो है निकल गए हैं, आज ही उनके जाने का मतलब दिन है। तो इसीलिए अभी विन्नी यही बोल रही थी कि आज तो हम बड़ौदा जा रहे हैं, हम पापा से मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह उठी है ना तब से ही, तो सुबह से उठी हूँ, जब से थोड़ा सा मन जो है वो अंदर से ख़राब भी हो रहा है, क्योंकि इतने दिन से मतलब इतने लोग हम साथ में रह रहे थे, और जब बहनें मिलती है ना तो मज़ा जो होता है वो कुछ और ही होता है। तो जब आप लोग भी आपस में मिलते होंगे तो आप लोग भी उस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे कि जब अलग होने का टाइम होता है ना, तो वो मतलब बहुत ही ख़राब टाइम होता है। लेकिन ये है कि जो आएगा उसका जाना तो पक्का है ही है, तो अब इससे ज़्यादा मैं रोक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। वहाँ पर उसके हस्बैंड जो है वो भी घर पर अकेले हैं, और फिर यही है कि भी गर्मी का टाइम है, खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो हर चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ता है हम लेडीज़ को। तो बस अभी आज जो रात का उसका टिकट है, इधर बता कैसे करती है ब्रश? खाना नहीं है, ब्रश करना है। क्या वो मीठा लग रहा है? कैसा लगा? मैं कैसे खा रही हूं अभी, नहीं वैसे करना अच्छे से, नहीं तो मैं आऊं फिर। हम्म, हम बाहर आ गया, अंदर कर, थूक दे अंदर। चल अभी कर, तेरे जैसे थोड़ी ना करने आए, वही तो बड़ी आप करवा सकती। वेरी गुड, वेरी गुड। हां ऐसे ही करते हैं। अब आप लोगों की भी सुबह हो गई है तो ब्रश कर लो। हां सुबह कितने बजे जाते हैं स्कूल? जाते हैं जब कितने बजे उठते हैं? 5:30। और अभी कितनी बज रही है? 8:30। लो भाई चलो उठो 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 उठो। शिल्पा दीदी आज के लिए बहरी हो गई। आज के लिए तो बहरी हो गई, पर उस बहरापन का इलाज है मेरे पास। करो तुम काम करो, करोगे तब तकलीफ पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा। जितने भी सामान की पैकिंग थी वो रात को ही मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो सामान मतलब ऐसा है कि यूँ तो बैग के अंदर ही था, लेकिन अभी बच्चे हैं छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ में छोटे मोटे इतने सारे सामान होते हैं, तो यही है कि अगर वो मेरे घर पे पड़े भी रह जाए तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्योंकि घर ही है। लेकिन ये कि जब ज़रूरत की चीज़ें मेरे यहाँ पे रहेगी भी सही ना, तो कोई मतलब का नहीं है। उसकी चीज़ें उसके घर ही पहुँच जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस सामान तो पैक हो गए थे, और अब गिरजा तो चली गई है और शिल्पा जो है उसके भी जाने की तैयारी हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी बिस्तर, क्योंकि घर में भी इतने सारे लोग थे ना, तो बहुत से एक्स्ट्रा बिस्तर जो थे वो घर में यूज़ में आ रहे थे, तो अब उन बिस्तर को मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक एक करके, मतलब पीलो कवर्स हैं अपना, ये ब्लैंकेट वगैरह हैं, और जो मैट्रेस हमने बिछाए थे तो उनके जो कवर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको मैं वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि घर में देखो बच्चे थे और बच्चे तो बच्चों के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। कई बार कुछ मतलब ऊपर बैठ के खाते भी थे, कई बार पानी भी गिर गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो और वैसे भी मेरी आदत है कि अगर घर पे कोई भी आता है, या हम भी अगर चीज़ें कोई भी कपड़े हैं या फिर बिस्तर वगैरह यूज़ में लेते हैं ना, तो उनको मैं फिर वॉश करके फिर ही रखती हूँ, क्योंकि ये वाला जो बिस्तर है ना, ये जनरली जब घर पर कोई आता है ना तभी यूज़ में आते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चों के रूम में सोते हैं और हम हमारे रूम में सोते हैं, तो हमारे तो रूटीन के बिस्तर बिल्कुल अलग ही है।
तो इन बिस्तर को फिर ना मैं गंदे वगैरह अंदर रखती नहीं हूँ। तो ये वाला जो मैट्रेस है इसका कवर मैंने कल ही वॉश कर दिया था, तो ये सूख गया था, इसको मैंने फिर से पहनाया है। बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे पहनाने में, क्योंकि ना आदत नहीं है। मम्मी के यहाँ पर तो क्या होता था, बड़ी बड़ी रज़ाइयाँ और ये रुई के गद्दे वगैरह रहते थे ना, तो उनके कवर जो है वो मतलब आए दिन धुलते ही थे, मतलब 10 से 15 दिन में, और बहुत ही बड़े बड़े होते थे, तो उनको है ना हम लोग बड़े इजीली पहना देते थे। लेकिन अब उन बात को कई साल हो गए, तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना, चीज़ें अगर हम काम में नहीं आती तो भूलते जाते हैं। तो बहुत टाइम बाद मैंने इसका कवर पहनाया था, तो स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे पहनाऊँगी, फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि इसको उल्टा करके और उसके कॉर्नर्स को पकड़ के अगर पहनाऊँगी तो अच्छे से पहन जाएगा। और फिर थोड़ी सी मेरी परी ने हेल्प भी कर दी थी। अच्छा, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बताना ही भूल गई हूँ, बच्चे जो हैं वो आज स्कूल नहीं गए, बच्चों के वैकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। आज हुआ क्या, आज मैं सुबह उठी ना, रात को मतलब काफ़ी लेट हो गया था सोने में भी, और सुबह मेरी नींद तो खुल गई थी, लेकिन ये कि मैंने बच्चों को इतनी आवाज़ लगाई लेकिन बच्चे हिले ही नहीं। और फिर मुझे भी ऐसा हुआ कि आज शिल्पा जा रही है तो बच्चों को ना छुट्टी दिला देती हूँ, ताकि बच्चे जो है वो और भी टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपने मौसी के साथ में और विन्नी के साथ में स्पेंड कर सके। क्योंकि इतने दिन शिल्पा इधर ही थी, गिरजा भी थी, लेकिन बच्चों का स्कूल और ट्यूशन मतलब ये रेगुलर था, तो बच्चे ना इतना मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए थोड़ी सी गलती बच्चों की थी और थोड़ी सी लापरवाही मैंने भी कर दी, और उस चक्कर में बच्चों को आज छुट्टी लेनी पड़ी, और इसीलिए आज परिवहन आपको घर पर दिख रहे होंगे। बाकी अभी बच्चों के वैकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत मैंने बाहर का काम निपटाया, और भी मुझे करना था कि पीछे वाले बेडरूम की डस्टिंग बाकी है, बिस्तर वगैरह। लेकिन इसी बीच में जैन साहब ने बोला कि आज खाना खा के नहीं जाऊँगा, मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना है, बाहर जाना है, और आते आते लेट भी हो जाएगा। तो मुझे वैसे भी अभी लौकी के पराठे बनाने हैं, तो मैंने सोचा लौकी के पराठे तो फिर है ना गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो अभी इंस्टेंटली प्लानिंग हुई कि थोड़ा बहुत ना नाश्ता बना देते हैं, और जब जल्दी में कुछ नाश्ता बनाना होता है तो दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है पोहे, क्योंकि बड़े जल्दी बन जाते हैं और खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो हार्डली 5 मिनट लगा था, यहाँ पर मैंने पोहा जो है वो बना के कर दिया रेडी। और इस टाइम पर मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आया था, क्योंकि अगर मुझे उन्होंने पहले बोल दिया होता था ना तो मैं फिर कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती थी, क्योंकि जनरली मेरे घर पर नाश्ता बनता नहीं, आपने देखा होगा। तो जब बनता नहीं और जब कभी बनता है तो लगता है ना कि कुछ अच्छी सी चीज़ बनाए, लेकिन अब टाइम कम था तो कुछ हो नहीं सकता था। तो जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर पोहे बना दिए हैं और यहाँ पर लगा दिए सबके लिए प्लेट। अभी घर में हम 6 जने हैं, 4 तो हम हैं, जैन साहब है, मैं हूँ, परी विहान है, और शिल्पा और विन्नी है। लेकिन शिल्पा ने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं पोहे नहीं खाऊँगी, और उसका मतलब बिल्कुल खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अगर मन नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी तो वो खा लेगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 5 प्लेट लगा दी है, और पोहे के ऊपर नमकीन के बिना तो मतलब बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। ये बिल्कुल तिक्खी वाली नमकीन है, हमारे राजस्थान की है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके से पोहे। जैन साहब नाश्ता तैयार है। हाँ जैन साहब तैयार है। विन्नी 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 जैन साहब बोलो, जैन साहब नाश्ता तैयार है। पहले से बोल जैन साहब नाश्ता तैयार है। किधर है ना, ऐसे बोल जैन साहब। विन्नी बोलना तो ये प्लेट कौन लेके जाएगा? ए परिविहान, चलो ले अपना अपना प्लेट ले, करू ले विहान ले, हाँ तब लाके देंगे ले। चलो उसकी चिल्ली निकाल देना, इसको दूर से दिख गई है, मेरे को बोल रही मेरा तो भी ग्रीन वाली चिल्ली का तो हम काम तो सब बराबर है। हां चलो माफिया वो था तो पिनी के इसमें से ना ग्रीन चिल्ली सारी हटा देते हैं, ठीक है? अपन ने मेरा क्या किया, ये ले पिनी, ये सारी हटा दी मैंने, ठीक है? गरम है कैसे? और आजकल काम का बर्डन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी है, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया कि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो 2 महीने की छुट्टी पर गई हुई है। उसने एक मतलब उसी की कोई पहचान की होगी ना, तो उसको काम के लिए रखा भी था, लेकिन और वो आई भी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ वो एक दिन काम करके गई और उसके बाद में दोबारा आई नहीं। शिल्पा शिल्पा आते हैं, बड़ी सिस्टर के घर पर आने के फ़ायदे हैं कि आराम से लेटे रहो सोए रहो, और ये सुख जो क्या हुआ, ससुराल में जिम्मेदारियाँ होती है ना, और हम जिम्मेदार बहुएं हैं, हम अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो भली भांति पूर्ण करते हैं। ये आ गई,
ये आ गई एक और जिम्मेदार बेटी। तो अभी हाउस हेल्पर भी घर पे नहीं है, काम भी थोड़े से ज़्यादा हैं, और पता नहीं काम जो है ना 12-1 बजे तक आजकल ख़त्म नहीं होते, क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं ना तो यूँ होता है कि बस बच्चों के साथ में खेलते रहो। तो एक काम करती हूँ फिर से, मैं विन्नी के साथ खेलती हूँ। इतने दिन गिरजा का बेटा भी था तो उसको भी परेशान करने में, उसके साथ खेलने में ना बहुत मज़ा आता था, क्योंकि बच्चे हैं ना मतलब चिढ़ते हैं, और जब वो चिढ़ते हैं ना तो उनको चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बीच में नाश्ता बनाने लग गई थी तो ये बिस्तर तो फोल्ड कर दिए थे परी ने। आज तो घर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतने दिन तो शिल्पा और हम दोनों मिलके ही काम करते थे। आज शिल्पा के ऑफिस की छुट्टी भी है और परी विहान भी घर पे हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये बिस्तर फोल्ड करने का काम जो है वो परी ने किया है, और बाकी लिविंग रूम की जो क्लीनिंग डस्टिंग का काम है ना वो विहान कर रहा है, और मैं और शिल्पा हम दोनों मिलकर किचन संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने काम को जो बांट दिया था, और यहाँ पर ही बिस्तर फोल्ड किए थे, अब इनको अरेंज करने का, अपनी जगह पर लगाने का काम मेरा है। तो अभी एकदम से मुझे फिर से याद आया कि जो पिलो यूज़ में आ रहे थे उनके पिलो कवर जो वो भी निकाल देती हूँ, ताकि उनको भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे डस्टिंग का काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। फिर से मैं आ गई थी किचन में, तो वैसे तो लंच में थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, अभी नहाएंगे हम लोग सब जने, और उसके बाद में फिर मैं आराम से बनाऊँगी। लेकिन ये कि गर्मियाँ हैं, और गर्मियाँ हैं तो मैंगो जूस तो बनना ही बनना है। एक बार जब घर में मैंगो जूस बनना स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद में जिस दिन नहीं बनता तो उस दिन ऐसा लगता है कि सारे पकवान एक तरफ और ये आम का रस जो है वो बिल्कुल एक तरफ। तो बस रोज़ ही मैंगो जूस जो है वो घर में बनता ही बनता है। तो यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले मैंगो जूस जो है वो बना के और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब हम खाना खाएँगे ना तब तक वो अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आम रस जो है ना वो ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म अच्छा नहीं लगता, एकदम ठंडा ठंडा सा। और यहाँ पर ये देखो सिंक जो है वो बस भरती जा रही है भरती जा रही है। और अभी जैसे ही आमरस मैंने अंदर रखा तो मुझे एक काम और याद आ गया था, कुछ सामान जो था मतलब डिब्बे जो थे वो खाली हो गए थे, तो मैंने सोचा उसको मैं रिफ़िल कर देती हूँ। तो एक तो किशमिश के डब्बे में किशमिश जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और दूसरी एक जीरावन जो मैं डेली यूज़ में लेती हूँ ना जिस डिब्बे के अंदर, तो वो डिब्बे भी खाली हो गई थी। तो ये दो सामान बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अच्छा मतलब ये इस तरीके की जो मसाले होते हैं ना, जैसे कि जीरावन हो गया, या फिर जो मार्केट से मैं स्पेशल मसाले लेकर आती हूँ, जैसे गर्म मसाला हो गया, पाव भाजी, सांभर मसाला, चाट मसाला, तो ये जो मसाले होते हैं ना, तो ये मैं रिफ़िल करने के बाद में जो बच जाते हैं ना, तो उनको मैं मेरे जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र के अंदर दो मतलब बॉक्स आए थे, वो मुझे लगता है शायद आइसक्रीम जमाने के हिसाब से आए थे। तो इतनी आइसक्रीम ना तो मैं घर पे बनाती हूँ, और इतनी ज़्यादा अगर आइसक्रीम बने भी सही तो खाएगा कौन। तो इन डिब्बों को मैं ना एज ए स्टोरेज बॉक्स के जैसे काम में लेती हूँ। तो जो भी मसाले रिफ़िल करने के बाद में अगर बच जाते हैं ना पैकेट, तो उनको मैं इन बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ, ताकि मतलब है ना गिरे नहीं फ्रीज़ के अंदर, और फिर फ्रीज़ जो है वो मेरा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश जो थी वो भी भर दी थी, और फिर मेरे को याद आया कि जो चाट मसाला, एक तो चाट मसाला और सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला, ये भी है ना शीशी के अंदर खाली हो गए थे, थोड़े थोड़े ही थे, तो उसको भी मैंने रिफ़िल कर दिया। और फिर बचे हुए मसाले को इन स्टोरेज बॉक्स के अंदर भर के मैं रख दूँगी। अच्छा एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी है, क्या पता आपको पता भी एक नहीं पता है, कल मैं फेसबुक देख रही थी ना, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी, एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये था कि 2-3 ब्रांड के जो मसाले हैं ना, एक तो था अपना MDH और एक एवरेस्ट था, और एक और था, एक का मुझे नाम याद नहीं, तीन मसाले जो है वो कुछ कंट्री के अंदर बैन हो गए हैं। ठीक है, अब वो क्यों बैन हुए हैं, उसका रीज़न भी एक्चुअली ये था कि इसके अंदर है ना जो पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं ताकि मसाले ख़राब ना हो ना, वो उसकी वजह से कैंसर होता है। तो फिर मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग जो था वो ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं ना जनरली एवरेस्ट के मसाले लेकर आती हूँ, और फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ भी बैठ गई थी कि अब एक काम करूँगी कि मैं कुछ मसाले जो है वो घर पर ही बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले तो मैं बाहर के लेके आती नहीं हूँ, जैसे कि गरम मसाला हो गया, सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला और एक चाट मसाला, ये चार मसाले जो है वो मतलब ज़्यादातर मेरे घर के अंदर आते हैं। तो कोशिश करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं ये मसाले जो है वो घर पर बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर भी करूँगी। और इस न्यूज़ के अंदर कितनी सच्चाई है, ये अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि देखो अब दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है ना, तो फिर उसको मतलब मेरे दिमाग में बैठ ही जाती है। कोशिश तो मैं करूँगी कि मैं घर पे ही बनाऊँगी, चाहे टेस्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो चल जाएगा, लेकिन हाँ हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर मसाले मैंने रिफ़िल कर दिए थे, अब इनको लगा दूँगी अपनी जगह पे, और अब उसके बाद में हम मतलब एक एक करके नहाने के लिए चले गए थे, मतलब नहाना वहाना सब कुछ फ्री हो गया था, मशीन भी मैंने चालू कर दी थी। मशीन के अंदर मैंने अभी जो पिलो कवर निकाले थे, एक आध और कुछ कपड़े थे, तो वो मैंने सारे मशीन में डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि अब बच्चों को भी लगने लग गई थी भूख,
और लंच के अंदर आज मैं बनाऊंगी लौकी के पराठे, और ये भी आप लोगों की किसी की मतलब डिमांड पे ही बन रहा है मेरे पास में। अभी आया था कल या परसों के ब्लॉग में कि दीदी लौकी की रेसिपी शेयर करना, अब शायद उन्होंने लौकी की सब्ज़ी बोला था या लौकी की रेसिपी बोला था ये मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ लौकी से रिलेटेड ही आज मैं बनाने वाली लौकी के पराठे। तो करीबन ये 1.5 किलो जितनी लौकी है, लौकी को पहले धो दिया था, छील दिया है, अब इसको करूँगी मैं ग्रेट। और है ना कोई भी सब्ज़ी जब मैं इस तरीके से ग्रेट करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं शायद लौकी ही घिस रही थी और घिसते घिसते जो फिंगर्स को ऐसे मोड़ के रखा होता है ना तो वो फिंगर भी उसके ऊपर घिस गई थी, और जिस हाथ से मतलब काम करते हैं ना तो उसी पर ऐसी चोट लगी थी कि 10 से 15 दिन तक वो ठीक नहीं हुई थी। तो वो डर इतना बैठ गया था ना कि जब भी मैं लौकी घिस रही थी तो मतलब इतना आराम आराम से और ध्यान से कर रही थी कि कहीं पर मतलब कोई चोट वोट ना लग जाए। तो यहाँ पर बस लौकी ग्रेट करने के बाद में फटाफट से मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया, और तड़के के अंदर कुछ नहीं, खाली लौकी को पहले ग्रेट किया था उसको मतलब मैं दबा के जूस वूस कुछ नहीं निकालती, उसका एक्स्ट्रा पानी, और कढ़ाई में तेल रखा, उसके बाद में राई जीरा हींग हरी मिर्ची और रूटीन वाले मसाले डालने के बाद में लौकी डाल दी थी, और कुछ देर पकाने के बाद में उसमें थोड़ा सा बेसन स्प्रिंकल किया ताकि अच्छे से स्टफिंग बन जाए। और ये है हमारा आज का लंच। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।